कठुआ रेलवे स्टेशन रोड पर उत्थें फैक्ट्रियों का गंदा पानी है जरा वह सड़कें पर आई गया जिसे आने जाने वाले राहगीर परेशान परेशान क्या कि जरा फैक्ट्रियों का गंदा पानी जहरीला पानी होंगे जरा जल्द गड्डियां चलदियां उसे पानी दट्टा नेड़ियाँ वो लोगों पर पाँदियाँ कोई कपड़े पाँदी कोई दुकानें अंदर पवा दियाँ जिन्होंने जो उत्थों लोग ने बड़े परेशान होए ना ये आखते सिड़को विभाग ने कई बार असें बोलिया उन्हें लेकिन वो कोई भी काम करते नहीं हैं और फैक्ट्रियां गंदा पानी जरा सड़कों पर आवा देखो तुम वीडियो दिखा दौ कि फैक्ट्री का गंदा पानी है जरा सड़कें पर आई देखो पॉलीथीन जोड़े लोग घर कभी है तो बहर नाले उतरते जिदे कारण नाले बंद हो जाते नाले बंद होते उसके कारण जरा सारा पानी जरा गंदा वो फैक्ट्रिया का गंदा पानी जरा सड़कें पर आई जाता वो जो पानी गंदा सड़कें पर आता तो आने जाने लोग जो राहगीर होते हैं उन्हें बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये तुम वीडियो देखो एस बी कठुआ दिखा दो उसे और इसीलिए ना फिर उसके दुकानदार और स्थानीय लोग ने सिड़को विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया उन्हें मांग की जल्दी तो जल्दी इधर को सू राह दिलाई है। दर्शन कुमार शर्मा सर, सर यहाँ पे तो इतनी बुरी हालत है कि इस मोहल्ले में रहना ही बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि ये पानी इतना है कि नालियों का पानी सब बाहर आ रहा है और सड़कों की इतनी बुरी हालत है यहाँ चलना सब लोगों के लिए चलना बड़ा मुश्किल हो गया है और हम चाहते हैं कि इस नाले को प्रॉपर ठीक किया जाए क्योंकि दो तीन बार हमने खुद भी इस पर योगदान दिया कि ठीक हो जाए लेकिन बार बार यही हाल हो रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए। बस ये कब से समस्या आ रही है? ये समस्या बहुत दिन से है, आज से नहीं बहुत काफ़ी टाइम से है, 5-7 महीनों से समस्या ये चल रही है। डिपार्टमेंट को आपने कभी बताया? बहुत बार बताया, बहुत बार बताया उनको, छिड़को डिपार्टमेंट को बताया, उन्होंने पीछे आए थे वो उन्होंने कुछ किया था थोड़ा बहुत लेकिन वो प्रॉपर साफ नहीं हुआ, फिर हमने भी कुछ किया लेकिन वो अभी ठीक हुआ था लेकिन पीछे लेकिन फिर वही हाल हो गया द्वारा। इसके बारे में सब कुछ पता है उनको भी लेकिन कुछ हो नहीं रहा इसके बारे में, किस नींद में सोया है क्या बोले इनको कि इनको थोड़ा थोड़ी सी हम शर्म नहीं आ रही कि क्या लोगों किस तरह ठीक किया जाए लोगों यहाँ पे क्या मांग कर रहे अगर समस्या का नहीं होता तो फिर क्या करें? तो फिर हम रोड जाम करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे, ये रोड जाम करेंगे। मैं गांव गोविंद सर का रहने वाला हूँ। सर ये समस्या जो पानी नाले का है ये अपने इंडस्ट्री एरिया का पानी है, सिड़को वाले की समस्या है। पहले हमने एक साल पिछले साल हमने बख्शी साहब थे कोई इनके ऑफिसर, वो अभी रिटायर हो गए हैं, पता नहीं जहाँ से आगे पीछे हुए शिफ्ट, उन्होंने एक बार साफ करवा दिया था लेकिन ये फिर से वही हाल है, खाली पैसा कमाना है और कुछ नहीं है इनके पास। जो आदमी इधर रहते हैं, जो बस्ती इधर रहती है, कम से कम उनको कोई काम नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, खाली बीमारी है। अभी ये रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर का पहला स्टेशन है, बाहर से दुनिया इतनी आती जाती है और ये गंदगी देखो, पानी एक दूसरे पे, जब गाड़ी जाती है एक दूसरे पे पानी फेंका जाता है क्योंकि ये बीमारी का घर है। सबसे जहरीला पानी आ रहा है, ये बिल्कुल जहरीला, ये केमिकल है पूरा। अभी थोड़े दिन आपने देखा होगा साथ में एक नहर है ऊपर मरोली का इंडस्ट्री का पानी उसमें आता, एक कुत्ता एक गाय मर गई। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, उनको जाग ही नहीं आ रही है कि हम क्या देखें। पब्लिक जो हमारे नुमाइंदे बने हुए हैं वो खाली बोर्ड के टाइम मिलते हैं, अभी कोई नहीं मिलेगा। वो उस वक्त आते हैं जब मीडिया वाले भाई हमारा साथ देते हैं, तब उनको जाग आती है कि हमने भाई जाना है वहाँ, ऐसे कोई नहीं आता। कितने दिनों से गंदगी? सर ये तो हम जब से इंडस्ट्री लगी है तब से गंदगी है। पिछले साल कराई थी बख्शी साहब ने, साफ करवाया था सीटीएम वालों को कह के, लेकिन बात कहें कि सर ये सीटीएम का गंदगी नहीं है, ये इंडस्ट्री इनकी है जो इस तरफ है, टायर फैक्ट्री है जहाँ दूसरी है कोई भी है, इसका पानी है। सीटीएम वालों पर हम हमला नहीं कर सकते, ये सिड़को का डिपार्टमेंट है, ये उन्हीं के पे है। जल्दी इसका समाधान नहीं किया जाता? फिर ये देख लो कि जम्मू कश्मीर का पहला रेलवे स्टेशन है, ये रोड बंद होगा, आने जाने वाले कोई भी ऑफिसर होगा उसको दिक्कत रहेगी। अभी शॉप है और ये बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रही है, आज से नहीं है, मुझे लग रहा है 15-20 साल हो गए यहाँ रहते हुए। और ये प्रॉब्लम जो है, जो कुछ मोहल्ले वालों की भी गलती है कि जो कूड़े यहाँ पे कूड़ेदान नहीं है, सबसे पहले कूड़ेदान नहीं है और उस कूड़ेदान को सफाई, अगर कूड़ेदान लगा भी देते हैं उसको सफाई करने वाला कोई कर्मचारी नहीं है, वो
ज़्यादातर कूड़े नाले में फेंकते हैं, नाले से जाम हो जाता है और पूरा पानी रोड पे जाता है। आप देख सकते हैं पूरा रोड नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे पैर गंदगी से भर जाता है, आने में दिक्कत होती है। और जो ऑटो वगैरह चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, उनमें जो छींटे पड़ते हैं हमारे, अगर कपड़े पहन के आप निकल रहे हो पूरे छींटे से, वो खराब हो जाएंगे। सफाई कर्मचारी यहाँ सर, सफाई कर्मचारी के नामों निशान नहीं है, कोई लोग कम फेंकते हैं, नाले में ज़्यादा फेंक देते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा नाला जाम रहता है और किसी सफाई कभी होती नहीं है। सड़क भी टूटी हुई है यहाँ पर, सड़क सर पूछना नहीं, आज तक बनी ही नहीं है, जब भी बनती है उसके तीसरे महीने टूट जाती है, पानी की वजह से टूटती होगी। पानी वैसे जो पानी नाले के जाता हो तो सड़क टूटनी टूटनी है। क्या देखते हैं रेलवे स्टेशन है रोजाना? रेलवे स्टेशन के हिसाब से जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर का ये पहला स्टेशन है जो कि, और डेवलपमेंट के हिसाब से तो यहाँ पे कुछ है नहीं, जो भी है थोड़ा बहुत हुआ है वो भगवान भरोसे है। अब जो भी हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन हो, इलेक्शन बाद देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिर भी जो हमारे भाई साहब अगर चाहें रोड को दोनों तरफ से नाला बनना चाहिए कि पानी दोनों एक मोहल्ले का, इंडस्ट्री का नाला अलग होना चाहिए, क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह ज़्यादा होती हैं, उससे गाय हमारे जानवर सारे जो पीते हैं उससे उनकी डेथ हो जाती है। और दूसरी तरफ जो नाला बनना चाहिए जिससे कि मोहल्ले का पानी निकल जाए, मोहल्ले का पानी भी नहीं निकल पाता, अपने अपने घर के जो साबुन निकाल रखे हैं स्मेल बहुत आती है उसमें से। बाकी